आज हम आपको रूबरू कराएंगे फास्टेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी इन इट्स सेगमेंट से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमन बलूनी एंड आप देख रहे हैं ऑटो मॉडल्स वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो जहां पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉम्पैक्ट एक्सुवी के बारे में महिंदा एक्स्यूवी थ्री डबल ओके बारे में एंड ये जो एडिशन आज हमारे साथ मौजूद है है ये डब्लू एट टोन के साथ हमारे साथ खड़ा है आपको इसके बारे में आज सब कुछ बताएंगे की महिंद्रा ने इसके अंदर चेंजेस क्या क्या किए हैं क्या सिर्फ लोगो चेंज है या फिर कलर ही चेंज है या इंजन में चेंज आया फीचर्स में चेंज आया वो सब बातें आज डिस्कस करेंगे तो इस चीज के लिए आप बने रहिएगा वीडियो में एंड तक शुरुआत करते हैं चाबी से तो आपको इस तरीके से न्यू में मिलेगी महिंदा एक्सुवी थ्री डब्लो की चाबी एंड पीछे की तरफ आप देख सकते हो आपको मिलेंगे यहाँ पे लॉक अनलॉक के फीचर साथ ही में आप यहाँ पर देख सकते हो बूट रिलीज का फंक्शन आपको मिल जाता है अगर हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट आपको मिल रही है आप सबसे पहले तो कलर ही इतना डिफरेंट है डुअल टोन में एंड साथ ही में यहाँ पर आपको न्यू बैजिंग मिल जाती है महिंद्रा की यहाँ पे प्लेसमेंट देख सकते हो किस तरीके से ग्रिल की एंड यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश आपको दी गई है साथ ही में आपको रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं जो की दर्शाता है की ये स्पोर्टी नेचर की कार है स्पोर्टी इंजन के साथ की कार है अब नीचे भी सेम रेड इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं है और यहाँ पर प्लेट आपको मिल जाती है स्मार्ट क्रोन ट्रीटमेंट के साथ एंड यहाँ पर आप देख लो सबसे बड़ा जो मुझे पहले भी था आज भी है वो ये है की यहाँ पर जो सेटअप आपको का मिलता है, वो मिलता है है वो के अंदर अब ये है इसका लो बीम ये है इसका हाई बीम अब लो बीम इसका मिल जाता है आपको प्रोजेक्टर एंड हाई बीम मिलता है रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको बेसिक यहाँ पर हेलोजन वाले मिलेंगे एंड नीचे फॉग लैम्प आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलेजन मिलेंगे बड़ी सी के अंदर आपको दी गई है जो काफी शार्प है एंड यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर एलईडी सेटअप होता तो चार चार लग जाते हैं इस गाड़ी पे महिंद्रा एक्स्यूवी थ्री डबलो में जो मेन चेंज यहाँ पर हुआ है वो है इंजन में चलिए इसका इंजन में चेक कर लेते हैं अब सामने है आपका एक्स्यूवी थ्री डबल होगा टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ आने वाला इंजन एंड ये थ्री सिलेंडर इंजन है जो पावर फिगर्स देगा वन ट्वेंटी एंड टॉर्क देगा आपको दो न्यूटन मीटर का टॉर्क पहले खाली दो आता था तीस न्यूटन मीटर बढ़ चुका है ऑल्सो पावर बढ़ चुकी है ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन किस तरीके से मिलती है वो आप देख सकते हो अंदर भी अच्छी इंसुलेशन है एंड अच्छी बात क्या है नीचे आपको डेडिकेटेड यहाँ पर इंजन गार्ड मिल जाता है वो बहुत ही अच्छा कदम है एंड स्पोर्टी नेचर की गाड़ी हो चुकी है लुक्स के साथ साथ इंजन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको छब्बीस सौ एम का व्हील बेस ऑफर होता है और जो ग्राउंड ऑफर होती है सबसे कम इसके सेगमेंट में ऑफर होती है वो है एक सौ अस्सी की अब अगर हम व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं न्यू लोगो के साथ एंड डुल टोन फिनिश में हैं मिलते हैं आपको टायर की प्रोफाइल जो है वो दो सौ पांच पैंसठ आर सोलह है अब यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी क्लैडिंग दी गई है इसको एक एसयूवी नेचर की गाड़ी दिखाने के लिए एंड ऊपर फेंडर पे कुछ नहीं है इस तरफ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे उस तरफ आपको मिल जाती है टीजीडीआई की बैजिंग अब यहाँ ऊपर ओआरवीएम्स मिल जाती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर जिनके ऊपर इंडिकेटेड है इसके इंडिकेटर्स एंड ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिटेक्टबल नेचर के मिलते हैं ए पिलर इसका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलता है एंड रूफ आप पूरी देख सकते हो कि पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर

अब आप देख सकते हैं डोर्स काफी ज्यादा वाइड इसके खुलते हैं एंड यहाँ पर जो सीट्स है इतनी ज्यादा वाइड नहीं मिलती मेरे को थोड़ा मतलब लग रहा है कि झगड़ा हुआ लेकिन यहाँ पर ग्रिप अच्छी है मैं थोड़ा हेल्दी हूँ लेकिन जो नॉर्मल बंदे होंगे उनको अच्छा लगेगा अंडर थाई सपोर्ट इज डीसेंट ऑन ऑफर नथिंग मच ग्रेट अबाउट इट एंड तो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट ऐसी करेंगे कोई यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स नहीं आती है और यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है सीट्स जिससे आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो बाकी अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ अच्छे खासे हेड रूम के साथ छह फीट का बंदा तो पीछे आपको लेग रूम और हेड रूम कैसा मिलता है आइए चेक करते हैं अब रेयर में आपको यहाँ पर डिसेंट स्पेस ऑफर हो रही है अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर बट ठीक है इतना चलता है बाकी सीट्स के डिजाइन की वजह से यहाँ पर मुझे लेगरूम अच्छा मिल रहा है एंड यहाँ हेड रूम मेरे को ठीक ठाक मिल रहा है क्योंकि इस वेरियंट के अंदर सन आता है तो थोड़ा इसका जो स्कूब आउट एलिमेंट है ऊपर रूफ का वो आपको यहाँ देखने को मिलता है अब चलिए इसका बूट स्पेस जानते हैं अब यहां पर आपको मिलता है 257 फिफ्टी का बूट स्पेस जो कि सबसे कम है अपने सेगमेंट के अंदर एंड यहां पर आपको 60 40 स्प्लिट्स भी ऑफर की गई हैं बाकी आपको बता दूं कि यहां पर स्पेयर व्हील आपको अंदर की तरफ दिया गया है टूल किट भी यहीं दी गई है एंड ये जो आप देख रहे हो ना ये एडजस्ट हो जाता है आप इसको निकाल के यहाँ पर डाल सकते हो तो नीचे इसके और सामान ज्यादा आ जाएगा तो ओवरऑल इस तरीके का इसका बूट स्पेस है अगर हम इसके इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फील आएगी ज्यादा कुछ टेक्निकली चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पर टोटली ब्लैक एलिमेंट्स दे दिए गए हैं गाड़ी के अंदर अब अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक दिखेगा And इस तरीके के यहाँ से एक डिप्रेशन बना रखा है जहां पर थोड़ी सी आपको स्पेस लग जाएगी एंड सही लगता है दिखने में भी अब अगर मैं इसी इवेंट्स की बात करू तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है एंड डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल जाता है आपको लोअर स्पीड भी आप अपनी एडजस्ट कर पाएंगे एंड अगर हम यहाँ देखें इसका ग्लव बॉक्स काफी ज्यादा डीप है एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्पेस भी मिल जाती है अपना कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए तो वो एक अच्छा टच है अब ऊपर की तरफ आपको क्या मिलता है यहाँ पर एक सनवाइजर मिलता है जिसके अंदर आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक लाइट जैसी आप खोलेंगे वैसी वो खुल जाएगी बाकी इधर की तरफ आपको ऐसा कुछ सुविधा नहीं मिलती है ना ही कोई टिकट होल्डर मिलता है माइक्रोफोन की प्लेसमेंट सीधा ड्राइवर के सर के ऊपर है जो कि एक अच्छी बात है एंड यहाँ पर आपको क्या मिलता है सनग्लास होल्डर एंड यहाँ पर मिल जाती है आपको आपको लाइट्स जो ट्रीटमेंट के साथ आएंगी बाकी पर सनरूफ मिल जाती है सनरूफ के कंट्रोल कुछ इस तरीके से आप अपनी सनरूफ को खोल पाएंगे देख लीजिए आप अब इसको बंद भी करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो और ये बंद हो जाएगी तो सन ब्लाइंड यहाँ का ऐसा खुद से हाथ से बंद होगा ऑटोमेटिक ये नहीं खुलेगा फिलहाल इसको खोल देते हैं अच्छी लाइटिंग के लिए एंड सीधा जा आ जाते हैं सामने की तरफ जहाँ पर आपको देखने को मिलती है महिंद्रा की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन अब ये इन्फोटेनमेंट स्क्रीन पहले भी एक्सुवी थ्री डब्लो में आती है अभी भी आती है कुछ फीचर जैसे इको जैसे से जो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स बताएगा एंड इसकी मैं एवरेज बोलूंगा थोड़ा सा स्लो है, जरूर आपको फील होता है बाकी वायर्ड ऑटो एंड्रॉइडोपल कार मिलेगा एंड ये सारे बटन आपको देखने को मिलेंगे रेडियो फोन इन सबसे रिलेटेड अब नीचे का जो यूनिट है यहाँ पर अगर आप आएंगे तो हजार लैम का ट्रीटमेंट मिलता है आपको बीच में एंड से आप अपनी ट्रिप सेट कर सकते हो अपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर डी फोगर के बटन आपको उस तरफ दिए गए हैं बाकी जो नीचे है वो है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी

काफी डीप स्पेस मिल जाएगी हालांकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे लेदर ट्रीटमेंट इस पर भी अच्छा किया गया है अब इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये काफी ज्यादा आपको प्रीमियम मिलने वाला है यहाँ पर देख लीजिए बड़ी अच्छी सी इसकी महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है न्यू बैजिंग एंड जो पर लेदर रैप फिनिश मिलती है काफी ज्यादा कम माल मतलब जहां पकड़ने वाले पॉइंट है वहां पर आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है स्टिचिंग भी कमाल की है बाकी अक्रॉस आप देख सकते हो क्रोन ट्रीटमेंट मिल जाता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो कंट्रोल आपको मिलते हैं अपने अपनेटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं वॉल्यूम वगैरह के बटन एंड अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ रेडियो एक्सेट्रा कॉल भी पिक

क्लच का ट्रैवल भी काफी ज्यादा डीप दिया गया है दोस्तों तो अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी ज्यादा रिफाइंड है क्योंकि ये टीजी डी इंजन आपको यहाँ मिल रहा है एंड साथ ही मैं बता दूं एक स्पोर्टी फील आपको आ रही है जिस तरीके की आवाज है जब आप गाड़ी को चलाते भी हो तब तो आपको फील होता है कि हाँ जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो किस चीज़ का दे रहे हो तो दैट इज नॉट अ बिग इशू एट ऑल अब अगर मेन्यवरिंग की मैं बात करूँ तो मेन्यवरिंग देख लो आप कितना मजे से आप इसका कर सकते हो मेन्यूवर एंड अच्छी बात क्या है आपको जो इसकी एम है उसके ऊपर भी आप देख सकते हो आपके टायर की पोजिशन क्या है तो वो एक अच्छा फीचर यहाँ दिया गया है अब इसको मैं आपको रेव करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके की आपको साउंड मिलती है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप काफी ज्यादा मतलब मजा आने वाला है मुझे तो मन कर रहा है इसका हैंड बैग नीचे डालू और भगाता हुआ इसको लेके जाऊं क्विकली बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एंड जो इसका आपको कलर थीम दिया गया है काफी ज्यादा अग्रेसिव आपको फील होता है एंड फील होता है कि हाँ एक स्पोर्ट्स फील तो है इसके अंदर अब लेफ्ट हैंड साइड में इसका टैकोमीटर है राइट हैंड साइड में इसका स्पीडो है एंड बीच में एक छोटी सी एम है जो काफी ज्यादा ब्राइट है एंड उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिखती है आपकी स्क्रीन के ऊपर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इस गाड़ी में आता है आपको फ्यूल इकोनॉमी वगैरह अपनी दिख जाएगी फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो दिखेगा इंजन टेम्परेचर कैसा ऑडोमीट है, है टाइम है आउटसाइड साइड टेम्परेचर है एंड और इन्फॉर्मेशन जैसे की टायर टेप्रेचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रिप ट्रिपे है ट्रिप भी है एंड डिस्टेंस टू एम आपको आपकी स्पीड बता देता है तो बाकी इस तरफ को आपको मिल जाता है आइडल स्टॉप स्टार्ट फीचर पार्किंग ऑन ऑफ करने का बटन एंड ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ मिल जाता है बटन की क्वालिटी कमाल की है एंड हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ मिल जाता है काफी स्मूथ नीचे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ से आप अपना बोनेट एक्सेस कर सकते हैं एंड जो पेडल्स है पेडल्स भी आपको काफी ज्यादा स्पोर्टिंग मिल जाते हैं यहाँ पर एक अलग से इसमें शील्ड लगी हुई है डो ट्रिम की बात करें

अब आप आपको रिफ्लेक्टर ही मिलता है साथ ही साथ आपको मैं दोस्तों डोर थर्ट भी सुना देता हूं रेयर में फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ज्यादा फीचर्स ऑफर नहीं किए गए हैं यहाँ पर आपको हैलेजन के अंदर एक रीडिंग लाइट मिल जाती है नीचे की तरफ कोई रेयर ऐसी इवेंट नहीं है वो एक यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है बाकी इधर की तरफ आप देख लीजिए आपको आमरस मिल जाता है काफी ज्यादा स्टर्डी एंड यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर्स भी दिए गए हैं इसको आप ऐसे बंद कर देंगे एंड अच्छी बातें क्या है की यहाँ पर तीनों एडजस्टेबल हेड्रेस आपको मिल जाते हैं थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट मिडल पैसेंजर के लिए यहाँ पर नहीं दी गई है वो देनी चाहिए थी यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रैप हैंडल मिल जाता है आपको एंड इस तरफ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं दोनों तरफ बाकी डोर्स के ऊपर स्पीकर की प्लेसमेंट एंड आपको बता दूं इस कार के अंदर आपको सिक्स एयरबैग्स आ जाते हैं एंड सीट्स के पीछे आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं जिस तरीके से और ये भी आपको काफी हार्ड फील दे देता है टच पॉइंट पर मिल जाता है आपको तो ओवरऑल इस तरीके के के आपके फीचर्स है गाड़ी के अंदर अब चलते हैं तुरंत कंक्लूजन की तो क्या आपको महिंद्रा एक्सुवी थ्री डब्लो के इस टर्बो स्पोर्ट वेरियंट को जो की डब्ल्यू एट ऑप्शन है इसको परचेस करना चाहिए अब ये बताने से पहले इसकी प्राइसिंग आपको बता दू जो की ट्वेल्व पॉइंट नाइन जीरो लैक्स एंड कलर ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय आ रहे हैं अब वर्डिक्ट ये आती है की क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं प्राइसिंग को दिमाग में रखते हुए इसका इंजन आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि जो लोग शौकीन है अच्छी खासी ड्राइविंग करने के ड्राइव इंथुजिया है वो बिल्कुल इस प्राइस में इसकी तरफ जा सकते हैं और तो और ये कार आपको फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है एंड अपने सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट कार ये आपको मिल जाती है तो बिल्कुल इसको आप बाय कर सकते हैं एक और चीज आप कर सकते हैं कि नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं हमको फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर जहां आपके लिए बेहतरीन कंटेंट आता रहेगा ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में